बुलबुल क्या कर रही हो? सच कहे तो हम माफी मांगने के भी लायक नहीं। हमने आपके अच्छाई का, आपके भोले स्वभाव का फायदा उठाया। सच्चाई यही है कि हम राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करते हैं। फोन लगाओ तुम राहुल को। कहाँ है वो? हांगकांग में। अरे वो भाई, वो राहुल, तुम्हें शादी करनी है कि नहीं बुलबुल से? बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है। मैं यहाँ से छुट्टी लूंगा तो मेरी नौकरी हाथ से जाएगी। अरे तुम्हें ऐसी हजार नौकरियां मिल जाएगी, लेकिन बुलबुल जैसी लड़की नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं कल आने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन नहीं पहुंचा तो हम आपसे शादी कर लेंगे। जैसी शिव जी की मर्जी। हमें शिव जी पर पूरा विश्वास है। वो जो कुछ भी करेंगे सही करेंगे। पोपट भाई, आप ही की शादी की तैयारी की चर्चा हो रही है। हाँ। तो दूल्हे राजा, आपकी कोई खास फरमाइश है तो बोल दीजिए। अरे हाँ। हाँ भाई बोल दे भाई, मैं लिख लेता हूँ, बोल दे। हाँ, शादी कैंसिल कर दीजिए। अरे क्या कह रहे हो भाई? मेरा मतलब है शादी की तारीख आगे पोस्टपोन कर दीजिए। पोपट भाई। अरे लेकिन तुझे शादी की तारीख आगे क्यों करनी है भाई? मैं वो भोपाल से अपने कुछ दूर के रिश्तेदारों को बुलाना चाहता हूँ। अरे देखो, रिश्तेदार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन शादी तो कल ही होगा भाई। हाँ, अरे हमारी इज्जत का सवाल है, कोई गड़बड़ का बात तो नहीं है दामाद? अरे बलदेव जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरे ख्याल से पोपटलाल मजाक कर रहा होगा। अगर अभी इसे कहेंगे ना कि शादी 4 दिन बाद है तो अभी क्या करें? नहीं, अभी कर दो, अभी कर दो। मजाक क्या स्वभाव है पोपट भाई का। अच्छा ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं। अरे बलदेव जी, कल तो शादी है तो आज आप कहाँ जा रहे हैं भाई? अब जाके होटल में ठहरेंगे। पापा, आज की रात आप यही हमारे घर रुक जाइए ना। हाँ। ए बुलबुल बेटा, देखो तो ये परंपरा का सवाल है, हम अपनी बिटिया के घर नहीं रह सकते हैं। समझी जी, ये सब बातें अभी पूरा नहीं हो गई है, और फिर भी ऐसा है तो आप हमारे घर रुके बस। हाँ हाँ, हमारे यहाँ चलिए, क्या दिक्कत है, सबके घर है यार। एक मिनट शांतता ठेवा। अरे उनको कंफ्यूज मत कीजिए कोई। हाँ, और कोई मम्मी जी से तो पूछिए, बेचारे कब से चुपचाप खड़े हैं। मम्मी जी, आपको क्या रहने की इच्छा है? हाँ हाँ मम्मी जी, पप्पा जी, आप मेरे साथ मेरे ही घर चलिए। अरे सुनिए ना जी, दामाद जी इतना आग्रह कर रहे हैं तो हम ही रुक जाते हैं। हाँ, रुक जाइए। अच्छा, अरे वाह। हाँ तो भाई ये तय रहा कि मम्मी जी और पप्पा जी पोपटलाल जी के यहाँ पे रुकेंगे। हाँ, और एक बात तय रही कि कल गोकुलधाम सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल की शादी है। बोला गणपति बप्पा। चला। आइए ना। क्या बात है दामाद जी, शादी का तैयारी एकदम जोरों से चल रहा है। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आता हूँ। आप रुकिए, हम पानी लेकर आते हैं। यहाँ आकर बुलबुल बहुत समझदार हो गई है। क्या बात है जमाई राजा, आप इतने परेशान काहे लग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। शादी के बाद में इसी घर में रहोगे? मैं तो इसी घर में रहूंगा। मेरा मतलब है, किस्मत कब किसे कहाँ रहने को मजबूर कर दे, कैसे बता सकते हैं। कहा जमाई बाबू, कहीं घर जमाई बनने का इरादा तो नहीं है? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे हम तो समझा रहे हैं। देखो बात ऐसी है कि जहां बुलबुल का रिश्ता तय किए थे वो करोड़पति लोग हैं। अरे उनके बाप का लंबा चौड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा नाम है उनका। हाँ, लड़के के पिताजी के पास पैसे तो है, पर लड़का अनपढ़ है। लड़के के पिताजी का बड़ा नाम है, पर लड़का बदनाम है। ये नहीं बताएंगे आप उनको। अरे बुलबुल के कहने का ये मतलब है कि दामाद जी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, है ना बुलबुल? सही ना बिटिया? और नहीं रखा तो याद रखना, हमारा नाम बलदेव सिंह है। हमारी मर्जी के बगैर कुत्ता भी नहीं भुगता है। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने दामाद को कोई धमकाता है इसे? अरे हम कहाँ धमकी दे रहे हैं, हम तो समझा रहे हैं, है? प्यार से, है कि नहीं? आपका समझाना ऐसा है तो पता नहीं धमकी कैसी होगी। नहीं धमकी में तो हम पहले बिना डिटर्जेंट के धुलाई करते हैं, फिर सुखाते हैं, उसके बाद धमकी देते हैं। धामा जी आपके लिए टेलर लाया हूँ। टेलर? इस वक्त? घर से उठा के लाया हूँ। उठा? अरे कहा भूल गए? अरे कल आपका शादी है, तो आपके शादी के लिए कपड़े नहीं सिलवाना है? हाँ? नाप लो जी, चलो। हाँ अरे क्यों नापो? अरे जल्दी करो भाई। सॉरी सॉरी। हाँ जी, तो अब आपको शेरवाली कब चाहिए? कल सवेरे। कल सुबह कैसे हो सकता है? कल सवेरे मतलब कल सवेरे 10 आदमी लगा दो, उस हम नहीं जानते। हम हमको कल चाहिए तो चाहिए। हाँ देखिए, मेरा और इनका नाप सेम टू सेम है, और मेरे पास अपनी एक शेरवानी पड़ी हुई है, वो मैं भाड़े पे दे सकता हूँ। एकदम लकी है, और वो शेरवानी अब तक 4 शादियां कर चुकी है। मेरा मतलब है 4 लोग इसे पहनकर शादी कर चुके हैं, और बोलो अब तक शादीशुदा है। कहो तो भिजवा दूं? पगला गया होगा? अरे हमारा दिमाग पहना शेरवानी पहनेगा? मैं पूरी कोशिश करता हूँ। कोशिश? समझ गया हुकुम। चलिए मैं समझाता हूँ आपको कि एक रात में शेरवानी कैसे बनाई जाती है। आइए। सुनो, हाँ दामाद जी के नाम से 10 करोड़ का एफडी करवा देना। जी हुकुम। और सुनो, बाजार से 10 तोले का अच्छा मोटा वाला सोने का चेन लेकर के आना। जी जी हुकुम। और सुनो, 200-300 हीरा का अंगूठी भी ले लेना। हाँ जी हुकुम। खड़े काहे हैं आप? क्यों खड़े हो? चलिए। हाँ कह दिया। देखिए, दुकान में बड़े सामान की कीमत लगती है, इंसान के प्यार मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता। अपने दामाद को खरीदने की कोशिश मत करना। आप अगर उसे बेटे का प्यार देंगे तो वो भी आपको पिता का प्यार और सम्मान जरूर देगा। वाह बेटा, तुम तो बड़े समझदार हो। बेटा बुलबुल, हमें तुम्हारी पसंद पे नाज है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसा दामाद मिला। ये भोलेनाथ, मैंने डायलॉग क्यों मारा? ये लोग खामखा मुझे हीरो बना रहे हैं। अरे अब यहाँ खड़े होके बतियाते ही रहेंगे क्या सब लोग? कल सवेरे बहुत सारा काम करना, शादी की बहुत सारी तैयारी करनी। चलिए जल्दी चलकर सो जाते हैं। हाँ, बुलबुल तुम इन्हें अंदर ले जाओ। हाँ। माँ इस तरफ। मैं जरा दरवाजा बंद कर दूँ। हाँ। क्या मुसीबत है, ये लोग नकली दूल्हे को असली सेहरा पहनाना चाहते हैं। ए भोलेनाथ, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो राहुल को भेज दो या तो शादी रुकवा दो। हम पत्रकार जी को धोखा नहीं दे सकते और राहुल को भूल नहीं सकते। भोलेनाथ जी, अब जैसी आपकी मर्जी। हमने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। ये भोलेनाथ किस चक्कर में डाल दिया है? मेरी शादी की समस्या सुलझ गई है कि जिंदगी उलझ गई है? एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं आप मेरे साथ, ये तो बताओ। लोगों को सुबह का इंतजार होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रात कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि पता नहीं कल का सूरज और क्या क्या नई मुसीबतें लेकर आएगा। अरे दया, चाय ला जल्दी। अरे जेठिया, आज इतना जल्दी जाग गया? बापूजी सिर्फ जागने गया, नहा के तैयार हो गया हूँ, देखिए। अरे वाह, शाबाश शाबाश। अरे ये क्या, बापूजी ने कल रात के ही कपड़े पहने। मतलब लगता है अभी तक बापूजी नहाया नहीं है, लेकिन मैं उनको कैसे पूछ सकता हूँ? पूछ सकता हूँ। बापूजी, मैं कितना भी जल्दी उठ के नहा के तैयार हो जाऊं, लेकिन आपको नहीं हरा सकता। आप मुझसे पहले नहा के तैयार ही रहते हैं। अरे बापूजी भी होशियार है, बोल नहीं रहे कि नहाया नहीं है। अभी आज की बात ही देख लीजिए, आज मैं कितना जल्दी उठ के नहा के तैयार हो गया, लेकिन आज भी आप नहा के तैयार बैठे हैं। नहीं नहीं, वो आज मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। आप अभी तक नहाया नहीं है? अभी बोला तो सही। तो मेरी बात छोड़, तू आज इतनी जल्दी जाग के तैयार क्यों हो गया? अरे बापूजी, आज घर में शादी है पोपटलाल की। अच्छा, मतलब तुझे वक्त पे उठाना हो तो रोज किसी ना किसी की शादी करवानी पड़ेगी। नहीं नहीं बापूजी, किसी और की शादी होती तो मैं इतना जल्दी नहीं उठता, पर ये तो पोपटलाल की शादी है। पोपटलाल की शादी में मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था। कैसा चांस? बापूजी मान लीजिए, सुबह सुबह मुझे सपना आता कि पोपटलाल की शादी कैंसिल हो गई है तो है? क्या आजकल तो सुबह का सपना सच होने का सीजन चल रहा है ना। अरे वाह, तुझे पोपटलाल की इतनी चिंता है, वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी तो होगी ना बापूजी, अब तक मस्त अकेला आजाद घूम रहा था, अब मालूम पड़ेगा बेटे को। क्या क्या कहना क्या चाहता है तू? नहीं कुछ नहीं बापूजी, मैं तो मजाक मजाक कर रहा था। बाकी मैं शादी करके बहुत खुश हूँ। शादीशुदा जीवन तो जबरदस्त है, मजा आ जाता है जीवन में। चल चल, अबे चुपचाप नहाने जा। फिर से? मतलब मैं नहाने जा रहा हूँ। हाँ हाँ। अरे दया, चाय लाना भाई जल्दी। लाई लाई। नट्टू काका और बाघा का फोन कर देता हूँ भाई, शादी का निमंत्रण दे देता हूँ उनको। अरे बाघा बेटा। जी नट्टू काका। सेठ जी आए उससे पहले मैं जरा लाइट बिल भर के आता हूँ। लाइए, मैं भर के आता हूँ। इट्स ओके बेटा, उस बहाने मेरी वॉक हो जाएगी। सेठ जी का ही फोन है। नट्टू काका स्पीकर पे कीजिए ना। विदाउट सेइंग बेटा। नट्टू काका। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से नट्टू काका हियर एंड बाघा आल्सो हियर। नट्टू काका, मैंने आपको मोबाइल पे फोन किया है ना? करेक्ट। और आपने अपने मोबाइल में मेरा नंबर सेव किया है? हाँ। तो फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से नट्टू काका इधर, बाघा इधर, ये सब बोलने की क्या जरूरत है नट्टू काका? सेठ जी हॉबी। हॉबी नहीं नट्टू काका, हैबिट। व्हाटएवर बागा। फोन क्यों काट दिया? ये नट्टू काका भी आइटम है। नो, सेठ जी का ही फोन आ गया। अरे फोन क्यों काट दिया आपने? सॉरी सॉरी सेठ जी, गलती से मैंने फोन काट दिया। बोलिए बोलिए। अच्छा सुनिए, आज मैं दुकान नहीं आ रहा हूँ, ठीक है? क्यों सेठ जी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अरे तबीयत एकदम टनाटन है भाई। तो फिर गुटली क्यों मार रहे हैं? बता रहा हूँ, आप दिल थाम के बैठिए। अरे बिल कब से हाथ में थाम के ही खड़ा हूँ सेठ जी, बस भरने ही जा रहा हूँ। हाँ लाइट बिल। अरे बिल नहीं, दिल 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 थाम के बैठी ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ आई सी दिल, हार्ट। लेकिन सेठ जी किसका दिल, भागा का या मेरा? अरे कुछ मत थामो, छोड़ो सब, छोड़ो छोड़ो और सुनो। ओके 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 सेठ जी। आज गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल की शादी है। अरे वाह सेठ जी, लेकिन ऐसे अचानक रातों रात कैसे नक्की हो गया? नहीं नहीं वैसे शादी हो चुकी है। अरे लेकिन सेठ जी अभी तो आपने कहा कि आज शादी है। हाँ मतलब आज दूसरी शादी है। हाँ? दूसरी शादी? सेठ जी पहली शादी कब हुई और डाइवोर्स कब हुआ? मतलब जिस लड़की से पहली शादी हुई उसी से आज दूसरी शादी है। क्यों? पहली शादी बराबर नहीं हुई? अरे भाई वो एक बहुत लंबी कहानी है, बाद में शॉर्ट में समझाऊंगा। अभी खाली इतना समझो, सुनो कि आप दोनों तैयार होकर शाम को गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाना, ठीक है? लेकिन सेठ जी आप ऐसे एंड टाइम पे बताएंगे तो मैं और नट्टू काका शादी के कपड़े कहाँ ढूंढने जाएंगे? डोंट वरी बागा, वी विल मैनेज। हमारे सेठ जी बड़े दिल वाले हैं, वो हमें लोन दे देंगे, उससे हम कपड़े खरीद के पहन के आज रात को शादी में चले जाएंगे। हाँ। अरे भाई कोई नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है, घर में जो अच्छे कपड़े हो वो पहन के आ जाना भाई। देखिए सेठ जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग आपको ही ताने मारेंगे। मुझे क्यों? लोग क्या कहेंगे, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर नट्टू और असिस्टेंट मैनेजर बाघा ऐसे सामान्य कपड़े पहनकर शादी में आए। और सेठ जी आप हमें कम पगार देते हैं, वो भांडा फूट जाएगा। तो ठीक है रहने दो, आने की जरूरत नहीं है, जाना दो, चलो छोड़ो। अरे नहीं नहीं सेठ जी, हम तो मजाक कर रहे थे। अच्छा तो मैं भी मजाक ही कर रहा था भाई। आना भाई आना, आप दोनों आना, और गले में से नट्टू काका 5000 ले लेना और दोनों बढ़िया नए कपड़े खरीद के पहन के आ जाना, ठीक है? ओके 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 सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ सेठ जी वी लव यू, लव यू लव यू। नहीं अरे दया कहाँ जा रही है? सॉरी सॉरी टप्पू के पापा। किसको चाय पिलाने जा रही थी? नहीं वो क्या है, कंपाउंड में टप्पू सेना शादी की कैसी तैयारियां कर रहे हो देखने जा रही थी। अच्छा अच्छा मैं भी आया चाय पी के। हाँ जल्दी आइए मच जाएगा। ये भी कमाल है, इसमें क्या मजा आएगा, क्या मस्त है दया, इसको सब चीज में मजा ही आता है। गजब पेश बनाया आपने। ले लो। वाह आराम से उसके ऊपर वो मिक्स मत कीजिए। निकलो अंकल जल्दी निकलो जल्दी जल्दी। अरे बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। तो क्या भाई शादी फिक्स हो गई पोपटलाल की। सही बात है, सदियों का सपना उसका पूरा हो गया। आराम से भाई चलो चलो जल्दी करो, बहुत काम है। बोलो क्या किस्मत है मेरी, दिन रात शादी के नाम की माला जपता था और अब जब मेरी ही शादी का मंडप लग रहा है तो मैं दूर भाग रहा हूँ। क्या तकदीर पाई है भाई पोपटलाल। प्यास लगी है, समंदर सामने है, पानी पीना है पर पी नहीं सकता। आज रात को शादी में बहुत धमाल करेंगे। ये बहुत गलत है, कुछ करना पड़ेगा। अच्छा अब्दुल, ये जो डेकोरेशन का सामान है ना हम लोग ऑफिस में शिफ्ट कर देंगे बाद में। हाँ ओके। और भिड़े भाई ये मंडप का सामान बाहर ही रखते हैं। हाँ ये रखा तो चलेगा। अब भिड़े मास्टर वो लाइट के कनेक्शन के लिए जनरेटर मंगा रहे हो या ऑफिस से ही ले रहे हो कनेक्शन? नहीं नहीं ऑफिस से ही लूंगा। कितना उत्साह है लोगों में मेरी शादी को लेकर, क्यों इतनी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं? सही बात है। भाई भिड़े, ओहो दूल्हे राजा खुद आ गए। अच्छा देखने आए हो कि शादी की तैयारी बरोबर हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं 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 भाई भिड़े, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब मैं आप लोगों का भरोसा तोड़ूंगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे तो शादी कैसे होगी? क्यों दया भाभी? अरे शादी के दिन दूल्हा यहाँ वहाँ नहीं घूमता। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ तो शादी के एक हफ्ते पहले ही दूल्हे का घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। जब सबको पता चलेगा कि असली दूल्हा मैं नहीं राहुल है तो मुझे सोसाइटी से ही बाहर निकाल देंगे। दोस्तों पोपटलाल की सिचुएशन देख के जैसे दूध में उबाल आता है वैसे मेरे मन में आज कुछ कहावतें उबल रही है। पहली कहावत भाई बेगानी शादी में पोपटलाल दीवाना। अब देखिए ना बुलबुल तो पोपटलाल से शादी करने के लिए राजी है और कहीं राहुल आ गए तो भाई इधर है कुआ उधर है खाई। बीच में हमारे पोपटलाल भाई। वैसे शादी के मामले में हमेशा पोपटलाल जी ने मात ही खाई है। अब देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है क्या ये शादी हो जाएगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके मुंह में घी शक्कर साहब। यहाँ शादी हो न हो किससे हो लेकिन आपके घरों में तो हंसी है। आम के आम गुठलियों के दाम। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।